हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 81 में आपका स्वागत है। हम आज के इस वीडियो में दरों के आधार पर मुद्रा स्फीति के प्रकार को देखेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक बातों को जान लेते हैं, जिससे इस टॉपिक को समझने में हमें आसानी होगी। मुद्रा स्फीति का शाब्दिक अर्थ महंगाई होता है, अर्थात जब किसी अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं के मूल्यों में वृद्धि हो जाती है तो इस अवस्था को उस अर्थव्यवस्था के लिए मुद्रा स्फीति कहते हैं। समानतः मुद्रा स्फीति का वर्गीकरण दो आधारों पर किया जाता है, जिसमें से फर्स्ट है कारणों के आधार पर और सेकंड दरों के आधार पर। कारणों के आधार पर मुद्रा स्फीति को तीन वर्गों में बांटा गया है, जिसमें से फर्स्ट है मांग प्रेरित मुद्रा स्फीति, सेकंड लागत प्रेरित मुद्रा स्फीति और थर्ड संरचनात्मक मुद्रा स्फीति। आज का मेरा टॉपिक दरों के आधार पर मुद्रा स्फीति का प्रकार है। दरों के आधार पर मुद्रा स्फीति पांच प्रकार का होता है, जिसमें से फर्स्ट है रिंगती हुई मुद्रा स्फीति, जिसे क्रीपिंग इन्फ्लेशन भी कहते हैं। यदि मुद्रा स्फीति की दर अधिकतम 3% या इससे कम है तो इसे रिंगती हुई मुद्रा स्फीति कहते हैं। आर्थिक विकास के लिए रिंगती हुई मुद्रा स्फीति सबसे उपयुक्त माना जाता है। सेकेंड है चलती हुई मुद्रा स्फीति, जिसे वॉकिंग इन्फ्लेशन भी कहते हैं। यदि मुद्रा स्फीति की दर 3% से लेकर 10% तक है तो इसे चलते हुए मुद्रास्फीति कहते हैं। यह मुद्रास्फीति आर्थिक विकास के लिए खतरे की घंटी मानी जाती है। थर्ड है दौड़ती हुई मुद्रास्फीति, जिसे रनिंग इन्फ्लेशन भी कहते हैं। यदि मुद्रास्फीति की दर 10% से अधिक और अधिकतम 20% हो तो इसे दौड़ती हुई मुद्रा स्फीति कहते हैं। इस मुद्रा स्फीति में मुद्रा का मूल्य तेजी से घटता है। फोर्थ है उछलती हुई मुद्रा स्फीति, जिसे गैलोपिंग इन्फ्लेशन भी कहते हैं। यदि मुद्रा स्फीति की दर 20% से अधिक और अधिकतम 50% तक हो तो इसे उछलती हुई मुद्रा स्फीति या गैलोपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। इसमें मुद्रा का मूल्य बहुत ही तेजी से घटता है। नेक्स्ट है अति मुद्रास्फीति, जिसे हाइपर इन्फ्लेशन भी कहते हैं। यदि मुद्रा स्फीति की दर 50% से अधिक और अधिकतम 100% हो तो इसे अति मुद्रास्फीति या हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। अति मुद्रास्फीति या हाइपर इन्फ्लेशन में मुद्रा का मूल्य बहुत ही तेज़ी से गिरता है। यदि शीघ्र ही इसे नियंत्रित नहीं किया गया तो यह संपूर्ण मौद्रिक प्रणाली को बर्बाद कर देगी। इस प्रकार आज के वीडियो में हम लोगों ने दरों के आधार पर मुद्रा स्फीति के वर्गीकरण को देखा और समझने का प्रयास किया। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो समाप्त होता है। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।